हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीजो स्टडी अगेन। आज के सेशन में भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में हमने बात करी थी टेस्टिस के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड कुछ डायग्राम्स बनाए थे हमने। आज के सेशन में भी हम कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ द सेमेन। सेमन का एक्चुअल फ्लो क्या है, स्पर्म कहाँ से स्टार्ट होता है एंड कहाँ से एंड होता है। एक इंटरनल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें ये पता लगेगा कि ट्यूबुला रेक्टाई क्या है, व्हाट इज़ अ वासा डिफरेंशिया, व्हाट इज़ अ वास डिफरेंस एक्सेट्रा, राइट। सो अगर हम बात करें एक्चुअल फ्लो का, फ्लो ऑफ स्पर्म, सबसे पहले राइट ये स्टार्ट कहाँ से होता है, दैट स्टार्ट विद सेमाइनिफेरस ट्यूब। यही खत्म किया था हमने सेमाइनिफेरस ट्यूब। सेमाइनिफेरस ट्यूब्स कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। यहाँ से स्पर्म ट्रेवल करेगा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द टेस्टिकुलर और रिटे टेस्टिस। रिटे टेस्टिस में जाने के लिए दे नीड वन डक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई, राइट, ध्यान से देखना इन चीज़ों को। सो ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद दैट विल अगेन ट्रेवल टू द रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से कहाँ एंटर करेगा, रेटेटेस्टिस से एंटर करेगा वासा इफरेंशिया में। सो अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब हमने बात करी यहां से यहां तक के फ्लो को, ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटेटेस्टिस से वासा इफरेंशिया तक, इसको एक नाम दिया जाता है विच इज अ इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम की। सो व्हेन अ स्पर्म फ्लोज फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है, सपोज इट स्टार्ट फ्रॉम वासा इफरेंशिया, टेन टू इलेवन डक्ट्स प्रेजेंट है वासा इफरेंशिया। यहाँ से अगर ये ट्रेवल करता है टुवर्ड्स एपिडिडाइमिस, वहां से ये ट्रेवल करता है कहां, आउटसाइड ऑफ टेस्टिस, और किसमें एंटर करेगा, वासा डिफरेंशिया में। सो वासा डिफरेंशिया में जो ये एंटर कर जाता है, लिख लेते हैं इसको भी, व्हेन इट एंटर इनटू द वासा डिफरेंशिया, इसका नाम अपोजिट है, दैट इज अ एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, सॉरी यस, this whole passage, right, that comes under the outer testicular duct system, right। अब इस चीज को समझते हैं कि कैसे होता है। इसको होगा एक्स्ट्रा, ये लिखना मैं भूल गई, सो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। सो हम इन सब चीजों को समझते हैं एक डायग्राम से कि हाउ द स्पर्म फ्लोस। एक डायग्राम बना रही हूं, उसको ध्यान से फोकस करना कि एक्चुअली होता क्या है। ये वही डायग्राम है जिसमें हमने सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखे हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई देखी है। हमें बात करनी है उस एक्चुअल पाथ की, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से देखते जाना। Right, here the lobules, testis is present, these are called as a testis, right।
अब टेस्टिस के पास क्या प्रेजेंट है, वासा इफरेंशिया, सॉरी एपिडिडाइमिस, दिस इज एपिडिडाइमिस ओवरऑल स्ट्रक्चर, एक रफ डायग्राम मैं आपको देख रही हूँ, आप बाकी डायग्राम आप रेफर कर सकते हैं, जो हमारा बुक्स हैं, जो हमारे ई बुक्स हैं उसमें डायग्राम मेंशन है, सो यू कैन रेफर। सो इसके अंदर दिस इज अ टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, इसके बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, राइट हेयर स्मॉल डक्ट अराइजेस, ध्यान से देखते जाना इस चीजों को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने इकट्ठा कंबाइन करके डक्टल सिस्टम दिखाया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि एक्चुअली ये क्या कहना चाहते हैं, राइट। अब इसके अंदर सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट, विच आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, 2-3 कितने भी बना लीजिए, दीज सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट, ये भी ठीक है, इसमें कोई डाउट, बहुत सारे हैं, पूरे फील्ड होता है ये। सो जस्ट टू शो यू द एक्चुअल फ्लो मैंने थोड़े से कम बनाए हैं। इसको एक नाम दिया जाता है टिबुलाई रेक्टाई, क्या नाम दिया जाता है, टिबुलाई रेक्टाई। इसके बाद ये ओपन होता है एक क्यूबॉइडल शेप्ड स्ट्रक्चर में, सॉरी एक इरेगुलर स्ट्रक्चर में जिसकी लाइनिंग होती है क्यूबॉइडल शेप्ड एपिथीलियम की। सो इसको नाम दिया जाता है रेटेटिस्टिस, क्या नाम दिया जाता है, रेटेटिस्टिस, रेटेटिस्टिस के होने के बाद कुछ डक्ट यहाँ से अराइज होती हैं फर्दर, ठीक है, उसके लिए कुछ दिस ऑरेंज कलर है मेरे पास, सो कुछ डक्ट यहाँ से अराइज हो रही है वन आफ्टर अनदर, 11-12 डक्ट्स होती हैं, आई डोंट हैव मच ऑफ स्पेस सो मैंने थोड़ी सी कम डक्ट्स बनाई हैं, होप यू विल अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। सो यहाँ से अगेन डक्ट अराइज होगी, दैट विल मूव लाइक दिस, ये नाउ इन दिस वे दे आर मूविंग अगेन, ये एक्ट करता है एपिडिडाइमिस टेम्पररी स्टोरेज की तरह, या टेम्पररी स्टोरेज किया जाता है स्पर्म्स का, ठीक है। उसके बाद अगेन यहां से एक डक्ट अराइज होती है जिसको हम नाम देते हैं वासा डिफरेंशिया, ये है एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसको लेबल करते हैं साथ साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें इस लेयर की, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस। उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया, राइट। बिलो दैट वन मोर लेयर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये है आपका टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर व्हाट आर दीज, दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स, सेमाइनिफेरस टिब्यूल,
ठीक है, अब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से एक कॉमन डक्ट अराइज होती है जिसको कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। सो ये जो व्हाइट कलर की डक्ट ये जो बनाई है ना मैंने, ये होप आपको विजिबल होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबुलाई रेक्टी। ये भी ठीक है। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है विच इज लाइंड बाय द क्यूबोइडल एपिथीलियम, दैट इज कॉल्ड एज अ रेटेटिस्टिस। यहां लेबल कर रही हूं मैं इसको रेटेटिस्टिस, ठीक है। उसके बाद ये जो है, दीज आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया के बाद दैट एंटर इनटू दिस रीजन, इस रीजन को नाम दिया जाता है यहां पे, व्हाट आई वांट इज सम स्मॉल कलर, दे आर फिल्ड, यहां पे टेम्परेरी स्टोरेज किया जाता है स्पर्म्स का। ये पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखाया है एपिडिडाइमिस को, ताकि आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स में समझा सकूं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सेंटर में अलग पार्ट होता है, ऊपर अलग पार्ट होता है, ऊपर कैपूट होता है, बीच में कॉर्पस होता है, नीचे कॉडा होता है, राइट एंड रेड। सो दीज आर द ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, वाइट, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, राइट। एपिडिडाइमिस के बाद ये जो रीजन है, तीन डिफरेंट रीजन है, इसको कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। सेंटर रीजन को कहा जाता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस। नीचे वाले रीजन को जहां से वासा डिफरेंशिया राइज होती है उसको कहते हैं कॉडा। सो कॉडा एपिडिडाइमिस, राइट। एंड दिस लास्ट इज कॉल्ड एज अ, जहां से एग्जिट हो रहा है, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने डिस्कस किया इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर में हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स डिस्कस करिए, उसके बाद हाउ दिस एक्चुअली फ्लो ऑफ स्पर्म्स हैपन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लोब्यूल टुवर्ड्स द एंड, दैट इज फ्रॉम द एग्जिट रीजन, जो हम टेस्टिस से जब ये बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वासा डिफरेंशिया, राइट। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पिछले सेशन में जब मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, जब मैंने बताया था, तब मैंने बोला कि कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी थी? सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। अब हर एक ग्लैंड का एक प्रॉपर फंक्शन है, उसके बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ लिखते हैं सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल, नाउ सेमाइनल वेसाइकल का काम क्या है? कुछ सिक्रीट करना, कुछ सिक्रीशन को डालना। कौन कौन सा सिक्रीशन है? फ्रक्टोस, सिट्रिक एसिड, आइनोसिटॉल, प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन।
सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन, राइट। उसके बाद बात करते हैं सेकंड, दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉरी व्हाट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक चेस्टनट शेप स्ट्रक्चर होता है, चेस्टनट शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट। सो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सो इससे चेस्टनट शेप, एक प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, चेस्टनट शेप स्ट्रक्चर है जो यूरेथ्रा के स्टार्टिंग में आता है, जो यूरेथ्रा होता है दैट, वहीं से ये स्टार्ट में जब सबसे पहला ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेटाइटिस, राइट। चलिए, सो चेस्टनट शेप स्ट्रक्चर, इस चेस्टनट शेप स्ट्रक्चर के अंदर 30 to 40 ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं, एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स हैं, इनका सिक्रीशन क्या प्रोवाइड करता है, एल्कलिनिटी, एल्कलाइन प्रोवाइड करता है, एल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब एल्कलाइन एनवायरनमेंट का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है, काउंटर अटैक करना विद द सिक्रीशन, बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ यूरिन, ऑफ यूरिन। सो इसका एक और काम क्या हो गया, दैट इज अ प्रोटेक्शन, है ना, काम हुआ नहीं हुआ इसका प्रोटेक्शन में, सो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की, कॉम्पोजिशन इसकी क्या है, इसमें सिट्रेट होता है, इसमें फॉस्फेट आयन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट, कैल्शियम एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रो फाइब्रिनोलाइसिस, प्रो फाइब्रिनोलाइसिस, राइट। ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। लास्ट है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। सो काउपर्स ग्लैंड, ये सबसे बेस पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज प्रेजेंट एट बेस ऑफ पेनिस, राइट। एंड ये विस्कोसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, उसको विस्कस बनाने में हेल्प करता है, विस्कस। इवन जो मिल्की स्ट्रक्चर होता है, जो मिल्की सिक्रीशन होता है, वो इस वजह से ही होता है, राइट। चलिए, ये हमने बात कर ली, अब इसमें एक और चीज बात करते हैं सेमन के बारे में। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इन दिस ओनली सेमन। अब ये सेमन क्या है, सेमन है सिक्रीशन ऑफ दीज सेमाइनल वेसाइकल अलोंग विद द स्पर्म। सो दैट इज अ स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड। अगर हम पर इजैकुलेट की बात करें, 2.5 से 5 ml होता है। सो टू पॉइंट फाइव टू फाइव एम एल। अगर हम इनकी काउंट की बात करें, वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज 200 to 300 millions पर इजैकुलेट, राइट। अगर इसका कंटेंट कम हो जाता है, दैट इज 20 millions से कम हो जाता है,
तो उस केस में क्या कहते हैं, उस केस में उस कंडीशन को कहते हैं इनफर्टिलिटी. सो काउंट लेस देन 20 मिलियन इनफर्टिलिटी, ये कंडीशन होती है इनफर्टिलिटी की. मेडिकल टर्म्स में उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है. सो काउंट के बारे में बात कर ली. दूसरा, अगर हम बात करें इसके, यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल ये एल्कलाइन होता है. एल्कलाइन क्या होता है, इसका पीएच 7.2 to 7.7, राइट. इसके पास सिक्रीशंस इन सब ग्लैंड्स के होते हैं, ठीक है. वाइटिश कलर का होता है, थिक होता है, विस्कस होता है. इसमें अगर और बात करें, अगर नॉर्मल फर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करें, नॉर्मल फर्टिलिटी में अगर 60% स्पर्म्स का स्ट्रक्चर हेल्दी होना चाहिए, उसको नॉर्मल फर्टाइल कंडीशन कहते हैं. और 40% क्या होने चाहिए, हाईली मोटाइल. राइट. सो हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग सेमेन, हमने डिस्कस किया सम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में. अब एक और चीज डिस्कस करते हैं, कम टू दिस साइड स्टूडेंट्स, एक डायग्राम डिस्कस करते हैं, दैट इज, सो होप यू हैव नोटेड डाउन दिस, पेनिस, टीएस ऑफ पेनिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैंने ये डायग्राम रब नहीं किया ताकि आप कहीं ना कहीं दोनों को कंपेयर कर सकें और दोनों के अंदर कंफ्यूज ना हुए, राइट. चलिए अब हम बात कर रहे हैं टीएस ऑफ पेनिस के बारे में. पेनिस इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इन विच द इरेक्टाइल टिश्यूज आर प्रेजेंट, राइट. उसमें अगर हम बात करें इरेक्टाइल टिश्यूज विच इज प्रेजेंट इन देम, दे आर लाइक दिस, कॉर्पस कैवरोसम्स आर प्रेजेंट, टू कॉर्पस कैवरोसम, राइट. स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं इसके पास. कॉर्पस कैवरनोसम, राइट. टू सच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. अब इसके अंदर सेल्स आर प्रेजेंट, सेल्स प्रेजेंट होती हैं. Spongy erectile cells are present in this. Similarly, in this case also. And they are also covered by tunica albuginea. So, ये दोनों तो same हो गए. Two corpus cavernosum. These are present parallel to each other. Penis के बारे में discuss कर रहे हैं. These are present parallel to each other. Right. This. Veins are present, deeper veins, right. So on an outer part mein they are covered with the tunica albuginea. This is a tunica albuginea which covers it.
tunic albuginae, right? Like this, the same kind, these are the spongy tissues. Towards the lower side, a very small, this structure, which we call it as a corpus spongiosum is present. Kya naam hai iska? Corpus spongiosum. In this also, the spongy cells, they are present. Right. इसके बाद हम फर्दर स्ट्रक्चर जो पेनिस स्ट्रक्चर है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. रेस्ट ऑल दे हैव दीज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट अलॉन्ग विद दैट द आर्टरीज दे आर प्रेजेंट आर एम्बेडेड इन इट. राइट नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो क्या फॉर्म करता है? दैट फॉर्म्स द ग्लैंड्स पेनिस. और ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर इफ यू सी द स्किन इज वेरी लूज, लूज स्किन, द नॉन हेयर स्किन इज प्रेजेंट एंड दैट इज फोल्डेड टुवर्ड्स इनर साइड, जिसको हम कहते हैं फोर स्किन. क्या नाम दिया जाता है? फोर स्किन. राइट, दिस इज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ पेनिस. राइट, सो सिलेंड्रिकल, cylindrical, erectile, erectile structure, cylindrical, erectile structure, and in this, as you can see, the spongy tissues are present, and that has an external meatus is present, external meatus. And that external meatus which is present, that act as a common exit of urine and sperm or a semen. Urine and semen, right? This is a penis, right? Ye diagram hai, this is TS of penis, how the spongy tissues are present which help in the erection process. So, isko draw kariye, then we'll proceed further. सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया. चलिए अब बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में. पेनिस के बारे में डिस्कस कर लिया, वैसे ही यूरेथ्रा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था इन बिटवीन दैट वी कॉल इट एज अ यूरेथ्रा. यूरेथ्रा का ऑन एन एवरेज वी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, आउटर पार्ट होता है, देन मिडिल पार्ट होता है, देन द लोअर पार्ट होता है, उसके बाद देन द पेनिस इज प्रेजेंट एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पेनिस, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस. राइट, चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक, फिर उसके बाद हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा. हाँ, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस है, दैट वी विल कंटिन्यू, बट पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे ताकि आपको एक्चुअल डिफरेंस पता लग जाए. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ मेल यूरेथ्रा. मेल यूरेथ्रा एग्जिट की तरह काम करता है, एक डक्ट की तरह काम करता है. फॉर व्हाट? फॉर सेमन एज वेल एज फॉर यूरिन. For semen as well as for urine. When we talk about the size of this, ये लंबा होता है, long as compared to female. Compared to female. 20 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है. 20 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है. इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. थ्री पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है इसका ग्लैंडुलर यूरेथ्रा. ग्लैंडुलर यूरेथ्रा. सो ग्लैंडुलर यूरेथ्रा को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज अ प्रोस्टेट यूरेथ्रा. प्रोस्टेट यूरेथ्रा. अब समझ में आया क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये प्रोस्टेट के पास प्रेजेंट होता है.
सो ये ग्लैंड की तरह काम करता है, ये सिक्रीट करता है. सो प्रेजेंट, और ये सबसे फर्स्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा का. ठीक है, हम कहाँ से बात कर रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट तक हम पहुँच चुके थे. इजैकुलेटरी डक्ट के बाद हमारा क्या आता है, यूरेथ्रा आता है. यूरेथ्रा के बाद में एंड रीजन, दैट वी कॉल इट एज अ पेनिस. सो इसमें क्या है, प्रेजेंट एट स्टार्ट, राइट. अब सेकेंड पार्ट जो इसमें आता है, दैट इज अ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, सो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहाँ प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस. सो फॉर दैट एट बैक ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस. थर्ड कंडीशन के बारे में, थर्ड में बात करें, थर्ड वी हैव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फिनाइल यूरेथ्रा, राइट. नाउ वेयर इट इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट और सिचुएटेड एट पेनिस एंड दिस पोर्शन इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, लॉन्गेस्ट पोर्शन. When I have to talk about the this portion, ये क्या होता है, smallest, smallest, right? So हमने क्या discuss किया, male reproductive system. ध्यान से सुनना उस चीज़ को, एक बार revise करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है. Male reproductive system में हमने सबसे पहले बात करी overall male reproductive system के diagram की. We have started with the testis, structure क्या होता है, कैसे कहाँ क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करी, accessory glands के बारे में बात करी. अब ध्यान से सुनना, वासा डिफरेंशिया के आगे बढ़ते हैं, वासा डिफरेंशिया तक हम पढ़ चुके, वासा डिफरेंशिया के आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सॉरी सेमाइनल वेसाइकल होते हैं, वो अपना फ्लूइड उसके अंदर एंटर कराते हैं एंड वो कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं. उसके बाद देयर इज अ सिक्रीशन, सिक्रीशन ऐड किया जाता है एक और स्ट्रक्चर का, एक और ग्लैंड का, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट. अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरेथ्रा. कौन सी होती है, काउपर्स ग्लैंड, और जिसको एक और नाम दिया जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जब अपना सिक्रीशन कर देती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सीमेन का जो कंसिस्टेंसी हो जाती है वो थिक हो जाती है. एंड जो दैट यूरेथ्रा विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द मेल, दैट इज कॉमन फॉर द सीमेन एज वेल एज फॉर द यूरिन, वेयर एज इन केस ऑफ द फीमेल इट इज अ डिफरेंट, राइट. उसके बाद आखिर में क्या आता है, दैट वी हैव इज अ पेनिस. ऑन द पेनिस आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज अ ग्लैंड पेनिस प्रेजेंट, उसके ऊपर फोर स्किन इज प्रेजेंट, अ लूज स्किन इज प्रेजेंट, उसको फोर स्किन विच इज फोल्डेड टुवर्ड्स द इनर साइड, राइट. सो हमने कुछ बातें करी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस बचा है वो हम डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट सेशन में. सो होप आपको समझ में आया होगा, होप आपने ये सब डायग्राम्स बनाए होंगे. सो अगले सेशन में मिलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बातें करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस.